साथियों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सीईओ डीईओ वेतन विसंगति दूर करें हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला पंचायत सीईओ हर्षिका सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार चौकसे और अर्चना शुक्ला बीओ को 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की वेतन विसंगति दूर करने को कहा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त एडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें आपका दोस्त एडी चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो इस चैनल पर डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा ना किए जाने की सूरत में स्पष्टीकरण पेश करने हाजिर रहने की चेतावनी दी गई है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अवध किशोर खरे, वसीम राजा अंसारी, रविंद्र यादव, मुकेश वोरिया और रविंद्र प्रसाद पटेल की ओर से है अधिकता राजेश खरे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि वेतन विसंगति के खिलाफ पूर्व में कई बार शिकायत की गई है, इसके बावजूद विसंगत विभागीय स्तर पर अनदेखी की गई। इससे व्यथित होकर हाईकोर्ट की शरण ली गई। हाईकोर्ट ने याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण किया था कि नियमानुसार वेतन विसंगति दूर कर दी जाए। इसके बावजूद निर्धारित समय में कोई ठोस कार्रवाई नदारद नहीं रही, लिहाजा अवमानना याचिका के जरिए नए सिरे से हाईकोर्ट की शरण ले ली गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोगों को जानकारी पहुंच सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जानकारी संबंधित वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।